गुड मॉर्निंग। और ये जो किचन की अभी मैं थोड़ी बहुत सफाई कर रही हूँ, तो ये जैसे कि रात को ही मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी मैं इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है रात को, तो जल्दी जल्दी पोंछ के वो कर देती हूँ। अभी ठंड भी है ऊपर से, तो इसलिए मैं ये विनेगर से साफ़ कर रही हूँ, तो इससे थोड़ा भी मतलब कहीं भी चिपचिपापन रहता है तो वो साफ़ हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से निपटाऊँगी। अभी जैसे मेरे किचन में चिमनी नहीं है, तो काउंटर टॉप पे जैसे एक दो दिन भी अगर मैं छोड़ देती हूँ तो बहुत चिपचिपा हो जाता है हर कुछ। तो इसके लिए जैसे कि विनेगर या किसी चीज़ से अगर मैं साफ़ कर लेती हूँ तो ठीक रहता है। तो जैसे ये वेइंग स्केल है, तो ये यश का है, मेरा तो इसमें कोई ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रहता क्योंकि मैं क्या मेज़र करके इसमें वो करूँ। और मिक्सी वगैरह ये बहुत ही, आप लोग पूछते हैं ना कि कैसे वो करते हो, तो ये करना पड़ता है डेली बेसिस पे। तो अभी ठंड की वजह से डेली बेसिस पे नहीं कर पा रही हूँ, नहीं तो जैसे मेरे पास जब डोमेस्टिक हेल्प थी तो मैं ये सब काम डेली करती थी, तो अभी दो तीन दिन का गैप आ जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। अगर इसको मैं एक हफ्ते अगर छोड़ दूँ फिर तो देखने लायक नहीं होता। तो यही है कि छोटे किचन में अगर चिमनी नहीं हो तो ऐसे ही करना पड़ता है। एग्जॉस्ट है लेकिन वो उतना ज़्यादा काम नहीं करता क्योंकि उसको हमने जाली के अंदर रखा हुआ है ऊपर, मतलब उसका जो डोर है वो साइड में जाली है, और वाइट कलर की वजह से मतलब ये गंदा जल्दी पता लगता है। गंदा तो खैर दूसरा कलर भी होता है, लेकिन वाइट कलर में ये होता है ना कि हमें ज़्यादा मतलब जल्दी पता लग जाता है, तो हम साफ़ कर लेते हैं जल्दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा गंदा होने से पहले वो नौबत नहीं आती कि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया अब क्या करूँ, अब इस किचन में मैं नहीं काम कर सकती, वो वाली नौबत नहीं आती है। और स्विच बोर्ड वगैरह इन सबको भी रेगुलर बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है। तो चलिए किचन तो साफ़ हो गया, अब मैं बनाने वाली हूँ ये ड्रमस्टिक लीव्स कह लीजिए, मोरिंगा लीव्स की कह लीजिए, या सहजन के पत्ते। तो ये सहजन के पत्ते का मैं मतलब क्या बोलते हैं उसे, पीस के कुछ काढ़ा टाइप का बनाने वाली हूँ। ऐसे काढ़ा आँच पे पका के बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको पीस के ड्रमस्टिक लीव और ये गिलोई को पीस के ये पीने वाली हूँ। जैसे कि वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये फिर कभी शेयर करूँगी, लेकिन जिन लोगों के हाथ पैरों में अकड़न रहती है, और कई बार ऐसा होता है यूरिक एसिड बढ़ जाने से अकड़न होती है, कई बार हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स यूरिक एसिड भी वैसे टॉक्सिन ही होता है, तो जैसे कि जो लोग को बाहर के खाने की आदत होती है और उसकी वजह से बॉडी में हर जगह पर दर्द रहता है या अकड़न जैसा फील होता है, तो उस केस में आप ये ले सकते हैं मोरिंगा लीव्स। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने में। और इसके साथ मैं गिलोई ले रही हूँ, जो कि बॉडी में अगर किसी भी टाइप का पेन है, कोई इन्फेक्शन है या किसी भी टाइप की कोई चीज़ है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो एक गिलोई की टहनी ले रही हूँ मैं, तो ये पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है मार्केट में, लेकिन मैं इन दोनों को इसलिए पीस रही हूँ क्योंकि मुझे गिलोई को पीसना है। और ये अगर आप पाउडर लेते हैं तो 3 से 5 ग्राम छोटे चम्मच से ले सकते हैं, और बीपी वगैरह को भी कंट्रोल में रखता है। तो ये अभी मैंने कुछ टाइम से लेना शुरू किया है क्योंकि ये हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मेरे मतलब मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई,
और फिर किसी वीडियो में आपसे डिटेल में बात करूँगी। तो आप लोग मुझसे कह भी रहे थे कि आपने हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद मेहंदी क्यों लगाई, जबकि मेहंदी से बालों का टेक्सचर ख़राब होता है। तो बालों का टेक्सचर उतना नहीं, मतलब मुझे नहीं लगा कि ज़्यादा कुछ ऐसा। हाँ, बालों में आप मॉइस्चर की कमी अगर होती है तो आप रेगुलर ऑयलिंग करेंगे तो ठीक रहेगा। और वैसे भी अभी मैं कोई केमिकल वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसको मैंने छान लिया है पीस के, थोड़े से पानी में पीसा था मैंने। तो ये लीव्स बहुत हल्के होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो मैंने अपने लिए और कमल जी के लिए बनाया है। और ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग मल्टीविटामिन वगैरह खाते हैं, तो उसके लिए उसकी बजाय अगर आप ये लेंगे तो ये नेचुरल सप्लीमेंट होगा। तो पहले मैं ये पी लेती हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। खैर, अब जो भी नीचे का काम था साफ़ सफ़ाई का, वो सारा हो चुका है। और यहाँ पे मैं मशीन लगा के आई थी, और मैं जो हाथ वाले कपड़े हैं ये थोड़े से मैंने धो रखे हैं, तो मशीन लगा के आई थी तो कमल जी ऊपर थे, तो मैंने कहा कि आप देख लेना, तो यहाँ खड़े हैं, तो वो भी पूजा वूजा कर चुके हैं। और छत पे आज अच्छी धूप निकली हुई है, तो कमल जी यहाँ पे जो बेडशीट या भारी चीज़ें जो होती हैं, ब्लैंकेट के कवर वगैरह, वो सारे फैला रहे हैं, क्योंकि छत का कुछ तो यूज़ करना चाहिए। और जब तक कमल जी ये फैला रहे हैं तब तक मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा काम कर लूं। और ब्लैंकेट के कवर वगैरह हम धो के ऐसे रख लेते हैं कि कोई गेस्ट आए तो उसके लिए, बाकी इतना ज़रूरत तो होती नहीं है। और गेस्ट भी कहाँ आते हैं, गेस्ट भी जो भी आते हैं तो दिल्ली के ही होते हैं, तो रुकने वाले तो होते नहीं हैं, सबका घर होता है यहीं आसपास में। और इसके ऊपर चाय का दाग पड़ा हुआ है, इसके ऊपर ये जो कवर है, क्योंकि ये बाबूजी ओढ़ते थे, मतलब मेरे फादर इन लॉ, तो उनको चाय वगैरह, मतलब उसी भी रजाई वगैरह में ही लेके पीते थे, तो गिर जाता है। खैर, उसके बाद अब कमल जी यहाँ पे सनलाइट का मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि जब तक नीचे मशीन में कपड़े धुल रहे हैं तब तक टाइम है, क्योंकि अगर हम नीचे वाले फ्लोर पे चले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा कि फिर से इतना ऊपर आना पड़ेगा, तो इसलिए छत पे ही टाइम पास कर रहे हैं धूप में। और चटाई वगैरह हम लोग ऊपर ही रखते हैं, मतलब ऊपर जो छत की सीढ़ियाँ हैं उस के जो जगह है थोड़ी सी। बस कपड़े धुल चुके हैं, उसके बाद जो यहाँ की सफाई, और मेरे पैरों में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा तो अभी वही प्रॉब्लम हो रही है मुझे, यूरिक एसिड मेरा बढ़ गया है। तो खैर, ये सब तो चलता रहता है, कुछ ना कुछ तो नई नई चीज़ें होती रहती हैं, तो उस वजह से ही मैं ये चीज़ें ले रही हूँ। तो मैं जल्दी किसी वीडियो में शेयर करूँगी डिटेल। हाँ, वो जब से मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है उसके बाद तो मेरी लाइफ में डिज़ास्टर ही आ गया है, पता नहीं कौन से मुहूर्त में मैंने, लगता है राहु काल में करवा लिए बाल वो। तो चलिए, मैं ये बालकनी वगैरह पूरा वो कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मेरे पास मेड भी नहीं है, और सारा काम करना, और मतलब ये लग रहा है कि कोई पेपर देना हो, कोई टेस्ट दे रही हूँ मैं। खैर, इधर ये हो चुकी है सफाई, तो अब ये बस थोड़ा सा जो पानी है इसको मैं वाइपर से साफ़ करके नीचे पधार चुकी हूँ मैं। और ब्रेकफास्ट में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, ओट्स बनाए थे, और उसके बाद मैं ये जो साग वगैरह ये साफ़ करने में लगी हूँ, तो ये जल्दी जल्दी मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी जैसे कि जो जिन चीज़ों का सीज़न है, ग्रीन चीज़ों का, आप लोग सोचते हो कि डेली साग खाते हैं, एक्चुअली हमारे घर में जो बथुए का साग है मुझे बहुत पसंद है, मेथी बहुत पसंद है, मेथी यश को बहुत ज़्यादा पसंद है, हम लोग को भी पसंद है। और साग एक ऐसी चीज़ है ना, कुछ साग जिस पे कि हम सब की तीनों की एक राय होती है, नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि यश को वो कुछ नहीं पसंद होता, कुछ कमल जी को नहीं पसंद होता। तो आज आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, और दाल और चटनी। तो यहाँ पे कमल जी भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि इनको दोपहर को जाना होता है अपने काम पर, तो अभी तो टाइम है, 12-1 बजे तक जाएंगे। खैर, ये हो चुका है, और ये जो इसके छिलके हैं, छिलके कह रही हूँ, इसका जो साग का जो लेफ्ट ओवर है, ये थोड़ा सा हम लोग कभी कभार फेंक देते हैं, कभी कभार पौधों में डाल देते हैं। तो आलू जब अच्छी तरीके से हो चुका है, उसके बाद मेथी डाला है मैंने, तो आलू मेथी तो वैसे भी ठंड में बहुत अच्छा लगता है, आलू मेथी और उसके साथ पराठे हो जाए, लेकिन कह रहे हम लोग दिन में खाने में पराठे नहीं खाते, हम लोग चावल ही खाते हैं, क्योंकि कमल जी को चावल खाना होता है, फिर कौन रोटी बनाए अलग से। जब यश ज़्यादा नाचता है तो मैं बना भी देती हूँ उस दिन के टाइम में भी उसके लिए, रात को तो रोटी खा लेते हैं। और ये दाल, तो बस सब्जी भी ऑलमोस्ट मेरी बन चुकी है, तो खाना मेरा ये देख सकते हैं, आलू मेथी की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है अच्छी, और चटनी है। तो बस हम लोग खाना खा रहे हैं, और मैंने ये हरा आईलाइनर लगाया है, तो मैं तैयार हो गई हूँ
तो ये व्लॉग यहीं तक था, बाय बाय।